उदाहरण 6, सरल कीजिए, 2/5 की घात ऋण 3 गुणित 25/4 की घात ऋण 2। हमें 2/5 का घात ऋण 3 गुणित 25/4 का घात ऋण 2 को सरल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 25 को 5×5 में तोड़ेंगे और 4 को 2×2 में तोड़ेंगे, तो इसे हम कोष्टक में वैसे लिखेंगे, 2/5 का घात ऋण 3 गुणित 25 को हम लिखेंगे 5×5 बटा 4 को हम लिखेंगे 2×2 का घात ऋण 2 बराबर 2/5 का घात ऋण 3 वैसे ही लिखेंगे और 5×5 को हम घात में लिखेंगे, तो ये बनेगा 5×2/2 का घात ऋण 2 बराबर ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए 2/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 5/2 का घात 3 गुणित, अब ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए कोष्टक के अंदर वाली जो है हमारे पास उसे हम अंश को हर में और हर को अंश में ले जाने पर यह हो जाएगा 2/2/5 तो हमारा जो घात ऋणात्मक था वह धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है कि 1/(m) बराबर 1/(m) बराबर, अब हम 5/2 कोष्टक को कहीं खोलेंगे तो घात जो है अंश और हर में दोनों ओर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3/2/3 गुणित, उसी प्रकार से पुनः जो हमारा कोष्टक के बाहर जो घात है जब कोष्टक खुलेगा तो घात जो है अंश और हर में दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2/5/2 हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, 1/(b)(m) बराबर 1/(m)/(b)(m) बराबर 5/3 वैसे ही लिखेंगे 2/3 गुणित 2/ घात जो है जब कोष्टक खुलेगा तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2×2 4/5 फिर जब कोष्टक खुलेगा तो ये दोनों घात की घात में गुणा होगा और 2×2 4 होगा, तो यहाँ पे हमने घातांक में घातों की घात का नियम लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/(m)/n बराबर 1/(m)/n होता है। अब हम इसे अगले पृष्ठ में देखेंगे, 5/3/2/3 गुणित 2/4/5/4
बराबर हम यहाँ लिखेंगे 5 का घात 3 बटा 5 का घात 4 गुणित 2 का घात 4 बटा 2 का घात 3 बराबर यहाँ पे बटे में भाग में 5 आधार 1 है तो हम 5 को एक बार लिखेंगे आधार को और अंश और हर की घात को घटा देंगे 3 ऋण 4 गुणित 2 का घात घात को फिर से हम घटाएंगे 4 ऋण 3 चूँकि हम जानते हैं कि घातांक में 1 का घात m बटा 1 का घात n बराबर 1 का घात m ऋण n होता है बराबर 5 का घात 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 गुणित 2 का घात 4 ऋण 3 बराबर 1 बराबर ऋणात्मक घात को हम धनात्मक में बदलने के लिए 5 का घात ऋण 1 को 1/5 लिखेंगे गुणित 2 का घात 1 बराबर 2 हमने यहाँ पे नियम लगाया है घातांक का 1 का घात ऋण m बराबर 1/1 m बराबर 1 × 2 बराबर 2/5 बराबर 5 यह उदाहरण का हल है।